तीन तरीके के नेट के बारे में हमने बात करी थी, रिमूवेबल, फिक्स और मूवेबल। ये तीन तरह के नेट अलग अलग जगह काम आते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा बड़ा पेस प्लेस नहीं है, छोटा प्लेस है, तो आप फिक्स बनवाइए। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है और आप चाहते हैं उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करना, तो रिमूवल बनवा लीजिए। और अगर आप फिर भी आपके पास टर्फ विकेट है, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके आप मूवेबल बनवाइए। मूवेबल का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप उसको नेट में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ओपन नेट में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके कई जगह काम आएगा। फिक्स नेट और रिमूवेबल दोनों लगभग एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसको जब भी खोला जा सकता है, फिक्स को नहीं खोला जा सकता। क्योंकि एक बार जब आप नेट बनाएंगे, आप इतनी मेहनत कराएंगे, आप बनवाएंगे, पूरा टाइट करवाएंगे, तो आप कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको बार बार खोला जाए, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ती है। जितनी बार आप खोलना बांधना चालू करेंगे, उतनी बार लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेट्स के बारे में, आपने विकेट भी बना लिया, केज भी लगा लिया, तो अब आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेट जब भी आप परचेज करें, तो नेट में आपको दो तीन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात तो ये है, आप नेट किस क्वालिटी का परचेज करें। आप बेस्ट क्वालिटी का नेट परचेज करिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का नेट खरीदते हैं, जिसमें यूवी ट्रीटेड है, सनलाइट प्रोटेक्शन है और साथ में वाटरप्रूफ भी है, तो वो नेट आपका 4 से 5 साल चले। क्योंकि नेट आपका महंगी क्वालिटी का आता है और उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। नेट के साइज़ आपके हिसाब से हैं। मार्केट में रेडीमेड भी नेट मिलते हैं, 100 फिट का मिलता है, जिसकी 100 फिट लेंथ होती है, चौड़ाई आपको 10 फीट में मिल जाएगी। लेकिन अगर कस्टमाइज आप नेट बनवाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कस्टमाइज नेट का मतलब ये है, मैं यही सलाह दूंगा कि 12 फीट से ज़्यादा मत बनवाइए। और अगर आप, क्योंकि जितना ऊंचा आप बनवाएंगे, जितना आप लगाएंगे, उतना आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ अकेडमियाँ हैं 15 फिट का नेट बनवाती हैं, जिसकी ऊंचाई 15 फिट होती है, चौड़ाई आपके अनुसार है। मिनिमम जो नेट की लंबाई और चौड़ाई होती है, वो अगर आप बात करेंगे हाफ नेट बनवाएंगे, तो 4 विकेट बनाते हैं, जिसमें 5 विकेट 6 विकेट से ज़्यादा है, तो आप जो नेट की लंबाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 7 फिट तो करनी ही करनी पड़ेगी। उसका रीज़न है कि एक नेट की बॉल दूसरे नेट में ना जाए। और जब भी आप मार्केट से नेट परचेज करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने ऊंचाई आपने 12 फीट करी है, तो आपको 14 फीट का नेट मंगवाना है। अगर आप 14 फीट से नीचे मंगवाते हैं, तो नेट टाइट बंधेगा, और टाइट बंधने की वजह से नेट जल्दी फट जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नेट जल्दी फटेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप 10 फीट का नेट बनवाते हैं, तो आपको 12 फीट का नेट मंगवाना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और नेट को आपको बांधना प्रॉपर वे पे है, दो तरीके से बांधा जा सकता है। पहली बात तो सिंगल बेसिस पे बांधा जा सकता है, दूसरा केज पे डाल दिया सकता है, जिसको आप ग्राउंड पे पहले बांध लें अलग से, फिर इसके बाद ऊपर से उसको ढक दें, तो वो तरीका आपका बेस्ट रहेगा। बीच बीच में 100-100 टुकड़े लेके आप बांध सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे पास परफेक्ट स्पेस है और यहाँ पे टर्फ विकेट मौजूद है। तो अब हमको यहाँ पे मूवेबल नेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जगह पे, ऐसी जगह पे आपको मूवेबल, क्योंकि देखिए फिक्स नेट है, ये पोल थोड़ा सा हल्की क्वालिटी के हैं, लेकिन इसकी जगह चौड़े वाले यानी कि गोल वाले पाइप का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। उसकी जो है लाइफ सर्किल होती है, वो ज़्यादा होती है। और जैसे कि अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ, ये रूफ है, अगर आप ऐसे रूफ का इस्तेमाल करेंगे, तो नेट्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सेफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस नेट्स की बॉल, एक नेट की बॉल दूसरे नेट्स पे नहीं जाएगी, जिससे बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत नहीं आएगी, तो बल्लेबाज भी अच्छी तरह से खेल सकता है बिना झिझक के, और आप भी उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब भी आप टर्फ विकेट बनवाएं या सीमेंटेड विकेट बनवाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 8 फीट 8 इंच का टोटल विकेट होता है, 10 फीट एरिया छोड़ा जाता है। अगर आप 2-4 फीट एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, यानी कि अगर आप 16 फीट का विकेट बनाते हैं, 10 फीट का आपने विकेट बनाया और आपने 3 फीट दोनों साइड स्पेस छोड़ दिया, तो आपको थोड़ा सा नेट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब बैट्समैन वह बैटिंग करेगा, तो उसको फील अच्छा आएगा, बड़ा एरिया उसको जहाँ मिलेगा, तो वो अच्छे से बैटिंग कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्रिकेट नेट इंस्टॉल करते समय। और जितना आप स्पेस देंगे,
उतना ही बल्लेबाजी करने में आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा और जो भी देखेगा तो उसमें खूबसूरती आ जाएगी। अगर आप रूफ का इस्तेमाल करते हैं तो रूफ के कई सारे फायदे हैं। पहली बात तो एक नेट से दूसरे नेट में बॉल नहीं जाएगी, और इसके दूसरे फायदे ये है कि आपका जो नेट सेशन, एक बार में अगर 5 नेट सेशन भी कराना चाहते हैं या 4 कराना चाहते हैं या लगातार 2 कराना चाहते हैं तो भी उसमें आपको फायदा मिलेगा। ऐसे में बल्लेबाजी करने में बल्लेबाज आसानी से खेल सकता है और कंफर्टेबल फील करेगा। लुक वाइज बहुत अच्छा हो जाएगी, आपकी एकेडमी का लुक अच्छा हो जाएगा, या आप जहां भी इसको कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो आप फिक्स नेट बनवाते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पोल को फिक्स करा लेते हैं तो वो बरसात में, चूंकि ग्राउंड्स में ओपन एरिया में वो लगे रहते हैं, तो आए दिन वो थोड़ा सा मौसम की जैसे जैसे मार पड़ती है तो उसमें जंग लगने लगता है। उससे बचने के लिए आपको जब आप फिक्स कराएं तब आपको उसमें टाइमर का इस्तेमाल करें या जो दवाइयाँ मिलती हैं, केमिकल्स आते हैं मार्केट में, उसका जरूर इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि जंग नहीं लगेगा और नेट्स का जो लाइफ सर्किल है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कंस्ट्रक्ट कराएं तो एक एक चीज़ पर निगरानी रखें। पोल में अच्छे से वेल्डिंग करा दें, एक अच्छे वेल्डर को पकड़ लें। अगर आप रिमूवेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जब चाहे आप खोल सकते हैं उस टाइप के नेट्स बनवा रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है सॉकेट का इस्तेमाल करें ताकि आप खोल सकें। और अगर आप मूवेबल बना रहे हैं तो एक अच्छे से वेल्डर को पकड़ लें। वेल्डर को पकड़ने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो जानकार है, उनका काम ही यही है, तो आपको अच्छे से वेल्ड करके दे देगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी आप केस बनाएं, नेट्स लगाने के लिए जब भी आप केस बनाएं, तो उसमें जब वेल्डिंग हो तो उस वेल्डिंग को जरूर देख लें, मजबूत वेल्डिंग करवाएं, मजबूत चीज़ों का इस्तेमाल करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा और आपको बार बार परेशानी भी आएगी। तो इसलिए जो भी करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी एकेडमी और आप जिस उद्देश्य से आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस उद्देश्य से आपने ये नेट्स को बनाया है या बनाने जा रहे हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा रहे।